सिंचन तू एक काम करके यहाँ पे उतर जा और चॉप तू भी यहाँ पे उतर जा। लेकिन यार हमिद भाई हम लोग यहाँ पे क्यों उतरेंगे, हम लोग आपके साथ चलेंगे। हम लोग साथ में चलेंगे लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग को यहाँ पे वेट करना होगा। ऐसे कैसे वेट करना होगा, हम लोग को साथ में क्यों नहीं लेके जा रहे यार? लेके जाऊंगा ना चॉप, सिमियन ने बोला है अकेले आना। लेकिन ऐसा कौन सा काम है, सिमियन ने आपको अकेले क्यों बुलाया यार? देखो अगर तुम दोनों मुझे तंग करोगे तो फिर मैं तुम लोग को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन यार हमिद भाई काम कौन सा है वही पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों यहीं पे रुकना ठीक है, सामने मत आना। लेकिन यार हमिद भाई सिमियन अंकल आपके ऊपर अटैक ना कर दे। सिंचन चुपचाप खड़ा हो जा, कुछ भी नहीं बोलना तूने। पता नहीं अभी कौन सा काम है सिमियन को यार, गाइस इसने मुझे बोला है कि अकेले आना। मगर एक मिनट भाई साहब, ये तो डायमंड का ट्रक है, कितना ज्यादा ओपी है और इसके पीछे ट्रेलर भी है। मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और एक सेकंड भाई साहब, ये क्या चीज है, ये तो सारी की सारी मेरी फेवरेट गाड़ियां हैं यार गाइस। ये तो फोर्ड मस्टैंग खड़ी हुई है, उसके बाद ये अपोलो है यार गाइस, ये मेरी ड्रीम कार है, ये बहुत ही ज्यादा ओपी होती है। साइज देखो इसका आप लोग, साइज में कितनी ज्यादा बड़ी और बैक साइड से भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद इसके साथ यहाँ पे खड़ी हुई है लैम्बोर्गिनी, ये दोनों की दोनों अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मुझे पर्सनली यार गाइस ये दोनों के दोनों अच्छी लगती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को कौन सी अच्छी लगती है। मुझे तो वैसे लैम्बोर्गिनी भी अच्छी लगती है और ये अपोलो भी अच्छी लगती है, लेकिन अपोलो का साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद एक मिनट भाई साहब, ये तो एंटीक पीस खड़ा हुआ है लिटरली में यार गाइस, ये तो 1960s की फरारी लग रही है मुझे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये फॉर्मूला वन कार है, कितनी बड़ी है साइज में। वैसे इतनी बड़ी फॉर्मूला वन कार हम लोगों ने पहले कभी देखी नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, ये वाली गाड़ी थोड़ी सी देखी देखी लग रही है और ये BMW है। आमिटी सिंचन और चॉप तुम्हारे साथ तो नहीं है? नहीं नहीं सिमियन, मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मुझे बताओ कि काम कौन सा है? काम आमिटी बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा ठीक है, बताओ तो सही, और ये इतनी ज्यादा ओपी गाड़ियां तुम्हारे पास कहां से आई? पूरा का पूरा एक साल वेट करने के बाद ये गाड़ियां मेरे पास आई है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? तुम्हें इन वाली गाड़ियों की डिलीवरी करनी है। इसका मतलब ये कि मैं ये सारी की सारी गाड़ियां चला सकता हूं? अरे नहीं नहीं पागल हो गए हो क्या, कोई भी गाड़ी चला नहीं सकते तुम। तो फिर सिमियन इनकी डिलीवरी कैसे करूंगा मैं? ये जो साथ में इतना बड़ा ट्रक तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि इसको मैं क्यों लेकर आया हूँ? अच्छा इसका मतलब ये कि ये सारी की सारी गाड़ियां मैंने इसके ऊपर लोड करनी है और फिर जाके मैंने इनकी डिलीवरी देनी है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला हामिटी, ये सारी की सारी बिलियनेयर कार्स हैं। और ध्यान रहे, अगर तो किसी भी गाड़ी पे एक भी स्क्रैच आ गया तो फिर उसके बाद मैं तुमसे पूरे के पूरे 1,000 करोड़ लूंगा। पागल हो गए हो, 1,000 करोड़ मैं कहां से दूंगा? इसीलिए हामिटी सोच लो कि तुम ये काम कर सकते हो या फिर नहीं। काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सिमियन देखो मेरे पास एक प्लान है। ये वाली सारी की सारी गाड़ियां ट्रेलर पे लोड करके लेके जाने से बेहतर ये कि मैं इनको ड्राइव करके लेके जाऊं। अरे पागल हो गए हो क्या, रोड पे ट्रैफिक नहीं देख रहे कितनी ज्यादा गाड़ियां घूम रही हैं? हाँ गाड़ियां तो घूम रही हैं, लेकिन तुम्हें पता ना कि मेरा कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं संभाल के लेके जाऊंगा। नहीं नहीं आमिटी, सारी की सारी गाड़ियां ट्रेलर पे जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, पैसे कितने मिलेंगे? तुम्हें सारी की सारी गाड़ियां बिलियनेयर के घरों में ड्रॉप करनी है, उसके बाद तुम्हें मैं दूंगा पूरे के पूरे 5,000 करोड़। क्या बात कर रहे हो, 5,000 करोड़? हाँ आमिटी तुम्हें मिलेंगे पूरे के पूरे 5,000 करोड़। अच्छा और ये एक गाड़ी कितने की है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। चलो ठीक है, मेरा काम है सारी की सारी गाड़ियों को डिलीवर करना, जो कि मैं इजीली कर सकता हूँ। और अभी सबसे पहले मैंने ट्रेलर को नीचे करना है, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। काफी ज्यादा रिस्की काम है, लेकिन मैं कर लूंगा यार गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना बीच में से कोई ना कोई गाड़ी चला के भी देखूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई ना कोई गाड़ी चुरा लूं। क्या बोला अमिटी तुमने, मैं कुछ सुन रहा हूं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं बोला है, तुम पता नहीं क्या सुन रहे हो, और मेरी बात सुनो। वैसे मुझे बस तुम इतना बता दो कि ये जो अपोलो खड़ी हुई है ये ब्लू वाली, ये कितने की होगी? नहीं अमिटी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा मुझे सिमियन बता नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है कि यार गाइस ये वाली गाड़ी कम से कम भी 1,00,000 करोड़ की होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओपी है लिटरली में यार गाइस। ये लाइटिंग फास्ट है, इसके दरवाजे भी ऊपर की तरफ खुलते हैं। लेकिन अभी मैंने एक एक करके सारी के सारी गाड़ियों को ट्रेलर के अंदर लोड करना है, और ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है। सबसे नीचे मैं गाड़ियां खड़ी करूंगा जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि ये वाली अपोलो। सबसे पहले तो मैं इसको खड़ा करने वाला हूँ यार गाइस, ये मेरी ड्रीम कार है, बहुत ही ज्यादा ओपी होती है, अंदर से तो आप लोग देख ही सकते हो लिटरली में यार गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन अभी मुझे इसको धीरे से लेके जाना होगा आगे की तरफ, साइज में भी काफी ज्यादा बड़ी है और सिमियन भी मेरे ऊपर नजर रखे बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे मुझे इसको पीछे लेके जाना होगा। सिमियन थोड़ा सा पीछे हो जाओ, लेकिन याद रहे हामिटी एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है पीछे हो जाओ, काफी ज्यादा रिस्की काम है और बोल रहा है कि एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, बट यार गाइस ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए अभी, चाहे कुछ भी हो जाए ये वाली गाड़ी सोच रहा हूँ कि चुरा लूं, लेकिन वो हम लोग बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे गाड़ी को अंदर लेके जाना है। सिमियन ये वाली गाड़ी साइज में काफी ज्यादा बड़ी है। अरे आ जाएगी संभल के लेके जाओ। अच्छा ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन नहीं यार गाइस ये नहीं जा पाएगी अंदर, इसको मैं ऊपर खड़ा करूंगा, फिलहाल मुझे इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। और सिमियन तुम एक काम करोगे, तब तक मुझे सारे के सारे लोकेशन भेज दो, लोकेशन मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। सिमियन भी काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कि अगर ये मुझे सारे के सारे लोकेशन
बताएगा तो फिर उसके बाद मैं गाड़ियों को खुद ड्राइव करूंगा। लेकिन ठीक है, अभी भी हम लोग को मौका तो मिल गया है गाड़ियों को ड्राइव करने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वाली गाड़ियां मैंने इस वाले ट्रेलर के अंदर पार्क करनी है। काम तो सिमियन का भी काफी ज्यादा मुश्किल है, ऊपर से बोल रहा है कि एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। गाड़ियां तो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा ओपी है। ये वाली BMW भी अच्छी है, BMW M3 है यार गाइस, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अभी इसको अंदर की तरफ लेके जाऊंगा और एक सेकेंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो ऊपर ही नहीं जा रही है। थोड़ा सा स्पीड से लेके जाएंगे और एक स्क्रैच आ गया मेरे ख्याल से, लेकिन सिमियन ने लगता है कि अभी तक देखा नहीं है। और आ गई यार गाइस, फाइनली ये वाली गाड़ी अंदर आ चुकी है। अभी इसके पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी करूं, इसके पीछे मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला F1 कार ठीक रहेगी। ये साइज में भी छोटी है और इजीली वहां पे पार्क भी हो जाएगी। मगर एक मिनट, ये क्या चीज है? हां मिट्टी, ये संभाल लोगे ना इस गाड़ी को? अबे सिमियन, ये देखो, जैसे ही रेस देता हूं पूरा का पूरा टायर घूम जाता है इसका, लिटरली में। और गाइस ये देखो, अभी मैं इसको हल्की सी रेस दूंगा ना और इसका आप लोग पिछला वाला पहिया देखना यार गाइस, ये कितनी ज्यादा तेज है। ये तो रेसिंग कार, ये मुझे चाहिए होगी। हाँ मिट्टी, संभल के क्या करे हो, टायर इसका फट जाएगा। नहीं नहीं सिमियन, ये बहुत ज्यादा फास्ट है यार गाइस, इसको मैं चलाऊंगा। अभी जब हम लोग गाड़ियों की डिलीवरी करने जाएंगे ना, उसके बाद ये वाली गाड़ी तो मैं चलाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन अभी सिमियन के सामने हम लोग ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, नहीं तो सिमियन ये काम किसी और को दे देगा। और एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? थोड़ी सी हम लोग की गाड़ी फंस गई है, लेकिन निकल जाएगी, बल्कि नहीं, थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, फंस गई है कहीं ना कहीं पे। सिमियन देख नहीं रहा यार गाइस, ये नीचे से टच हो गई है। इतनी नीचे गाड़ी थी यार गाइस, ये नीचे से टच हो गई। मगर एक मिनट, मुझे इसको ऊपर लेके जाना होगा और बच गए। फाइनली ये वाली गाड़ी भी हम लोगों ने अपने ट्रेलर के अंदर पार्क कर दी है। अभी देखते हैं दूसरी गाड़ी कौन सी लेके जाऊं। ये मस्टैंग लेके जाता हूं, इसको मैं ऊपर खड़ा करूंगा। मगर एक मिनट, पहले मुझे ऊपर वाली साइड को नीचे करना होगा। टूट गई, लगता है फॉर्मूला 1 कार टूट गई है, मगर नहीं, बच गई है यार गाइस, अभी तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी फटने वाली है। एक काम करता हूँ कि ये वाली गाड़ी भी ऊपर लेके जाता हूँ। सिमियन मेरी बात सुनो, इस वाले ट्रेलर के ऊपर तो सारी की सारी गाड़ियां पार्क नहीं हो सकती हैं। जितनी गाड़ियां पार्क होती हैं उतनी तो करो। हाँ उतनी तो कर लूंगा, लेकिन ये सारी की सारी गाड़ियां इस वाले ट्रेलर के ऊपर मेरे ख्याल से नहीं पार्क होने वाली हैं। मुश्किल है यार गाइस, काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा है, 6 गाड़ियां हैं और इस वाले ट्रेलर के अंदर मेरे ख्याल से मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 5 आ सकती हैं। लेकिन हम लोग फिर भी ट्राई करके देखते हैं इस वाली गाड़ी को। एक स्क्रैच पड़ गया है और मुझे लगता है कि सिमियन ने देखा नहीं है। एक काम करता हूँ कि इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और अभी लेके चलते हैं ये वाली लैम्बोर्गिनी। ये भी बहुत ज्यादा ओपी है, इसके टायर्स भी ग्लो करते हैं यार गाइस। और इसकी मजे की चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो है इसका ये वाला स्पीडोमीटर। ये देखो यार गाइस, अंदर की तरफ इसका स्पीडोमीटर लगा हुआ है और वो भी स्क्रीन के ऊपर शो होता है। काफी ज्यादा टेक्निकल गाड़ी है, लेकिन मुझे अभी संभल के इसको लेके जाना है। काफी ज्यादा महंगी है सारी की सारी गाड़ियां। और सिमियन, 5,000 करोड़ में डील हुई है हम लोग की। ठीक है, मुझे याद है, लेकिन गाड़ियां बिल्कुल सही सलामत पहुंचानी है तुमने। हाँ गाड़ियां तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन अब ये गाड़ी जाए भी तो सही ना ऊपर। इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है गाड़ियां ऊपर लेके जाने में, और एक मिनट ये भी नहीं जा सकती। क्या कर रहे हो हामिटी, संभल के लेके जाओ। हाँ ठीक है, हो गया। बस नीचे से गाड़ी लैम्बोर्गिनी पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि इसके नीचे की दूसरी गाड़ी थी। लिटरली में यार गाइस, नीचे से तो ये वाली गाड़ी बहुत खराब हो गई है और आगे से भी हल्की सी ठुक गई है। सिमियन को अभी तक पता नहीं चल रहा, लेकिन इसको पता चलेगा भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन वाली गाड़ियों की डिलीवरी देनी है। अमेटी, किसी गाड़ी को स्क्रैच तो नहीं आया? नहीं नहीं सिमियन, स्क्रैच कैसे आएगा, पागल हो गए हो क्या? वैसे गाड़ियां तुम बिल्कुल सही तरीके से पार्क कर रहे हो। हाँ लगी तो नहीं? लगता है कि तुम्हारी तारीफ ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ वैसे तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। सिमियन मैं एक बात सोच रहा हूँ, ये जो छोटी वाली गाड़ी है इसको कहाँ पे लेके जाऊंगा? अभी ये तो तुम्हारा काम है ना। चलो ठीक है, पहले मैं इस वाली अपोलो को पार्क करता हूँ। अभी यहाँ पे रह गई ये छोटी सी गाड़ी, ये भी इजीली मैं पार्क कर लूंगा। लेकिन संभल के अमेटी, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या बात कर रही है, छोटी सी गाड़ी एक्सपेंसिव है क्या? हाँ ना अमेटी, ये वाली गाड़ी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, संभल के लेके जाओ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सस्ती ये लग रही थी। पागल हो गए हो तुम, संभल के लेके जाओ, इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सारी की सारी गाड़ियां ध्यान से पहुंचा देना। ठीक है सिमियन, फिक्र मत करो। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यार गाइस, ये ट्रेलर टच करेगा गाड़ी को, वो ऊपर वाली गाड़ी थोड़ी सी बाहर है। और याद रहे अमेटी, सिंचन और चॉप को उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, सिंचन और चॉप को तो नहीं लेके जा रहा हूँ, और ये ट्रेलर धीरे धीरे आ रहा है ऊपर की तरफ। आई होप के यार गाइस, ये इस वाली गाड़ी को टच नहीं होगा, ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक भी अगर स्क्रैच है ना हमेटी, एक रुपया भी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड चुप तो करो, मुझे यहाँ पे इतनी टेंशन हो रही है गाड़ियों की। एक सेकंड, ये बस किसी तरीके से बंद हो जाए, मुझे लगता है कि गाड़ी के साथ टच हो जाएगा। बल्कि नहीं, बस रुक जाओ। रुक गया यहाँ पे, और ये देखो यार गाइस,
कितना थोड़ा सा डिस्टेंस है। अगर तो ये टच हो जाता ना इसको अमेठी, फिर एक रुपया भी नहीं मिलता तुम्हें। एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस है सिमियन, देख रहे हो ना। मुझे पता है तुम काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। लिटरली में यार गाइस, बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस है। और दूसरी साइड से टच तो नहीं हो गई, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। लेकिन नहीं यार गाइस, दूसरी साइड भी बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस है। ठीक है तो फिर सिमियन मैं चलता हूँ। और याद रहे अमेठी, सिंचना चौप को उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि सिंचना चौप को उठाने से क्यों मना कर रहे हो? बस अमेठी वो बहुत ज्यादा शरारती है, इसलिए तुम अकेले जाओगे। चलो ठीक है। और वो डायमंड का ट्रक जो है ये कितने का होगा? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, डायमंड का ट्रेलर तुम वापस लेकर आओगे। ठीक है ले आऊंगा। पहले मैं सारी की सारी गाड़ियों को टेस्ट भी करूंगा। और अमेठी मैंने तुम्हें पहले लोकेशन भेज दी है। अच्छा ठीक है सिमियन, लेकिन ये वाला ट्रेलर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। ध्यान से लेके जाना सारी की सारी गाड़ियों को। अच्छा ठीक है, ध्यान से ले जाऊंगा। और किधर गए सिंचना चौप, आ जाओ जल्दी करो। लेकिन यार हमें ये वाली गाड़ियाँ कितनी ज्यादा ओपी है। हाँ ना सिंचन, गाड़ियाँ काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन अभी जल्दी करो, सिमियन आ जाएगा। मुझे जल्दी से ये बताओ कि हम लोग की कौन सी गाड़ी है इनमें से? तो आप अभी फिलहाल हम लोग की गाड़ी कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, इनमें से कोई एक गाड़ी तो हम लोग को चाहिए होगी यार। करते हैं तो आप कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। लेकिन तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, फिलहाल मैंने सारी की सारी गाड़ियों को बिल्कुल सही से लेके जाना है। लेकिन यार हमें वो छोटी वाली गाड़ी कितनी ज्यादा ओपी है। कौन सी? ये रेड वाली? अरे हाँ यार हमें, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है ये बहुत ही ज्यादा ओपी है। ठीक है ये वाली गाड़ी मैं तुझे दिला दूंगा, लेकिन सिमियन ने बोला है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये वाली गाड़ी है। दिखने में भी लग रही है, और ये वाला ट्रेलर भी बहुत ज्यादा ओपी है यार। हाँ ना चौप, पूरा का पूरा डायमंड का है। और सिमियन ने इस तरह का ट्रेलर मुझे पहले कभी नहीं दिया। इस वाले ट्रेलर की मैं आप लोग को एक मजे की चीज दिखाता हूँ यार गाइस, कोई भी चीज मेरे सामने नहीं आ सकती है। और ये ट्रेलर मुझे सिमियन ने इसलिए दिया है ताकि उसकी गाड़ियां सेफ रहें। काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन अगर मैं ट्रक को टक्कर मारूंगा तो फिर ट्रक भी साइड पे हो रहा है। लिटरली में यार गाइस ये कुछ ज्यादा ही ओपी है। और एक मिनट, हम लोग का ट्रेलर यहाँ से जाएगा क्या? कभी भी नहीं जाएगा, यहाँ से वापस लो यार। नहीं नहीं चौप, एक सेकंड रुक जा, निकल जाएगा मेरे ख्याल से। तो निकल जाएगा, काफी ज्यादा नीचे है रास्ता। क्या बोलता है चौप? मैं तो बोलता हूँ कि जाने दो यार। निकल गया हम लोग का ट्रेलर फाइनली यार गाइस, निकल चुका है। सारी की सारी गाड़ियां बिल्कुल सेफ हैं। हो गया यार गाइस, हम लोग का काम हो गया है। अभी बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और वो लोकेशन आ जाएगी। चौप यहाँ से आगे नहीं जा रहा। ये किस तरह का रास्ता बना के रखा है इन लोगों ने यार। गाड़ियाँ टूट जाएंगी, सारी की सारी गाड़ियाँ टूट जाएंगी, मुझे रिवर्स जाना होगा। हाँ यार गाइस, अभी जल्दी से रिवर्स जाता हूँ। और ये पीछे क्या चीज है? पीछे की तरफ गाड़ियाँ ना यार, अब क्या करूंगा चौप, फंस गया हूँ यहाँ पे। लेकिन यार हमें मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ से वापस हो जाएंगे। वापस तो मैं भी होना चाहता हूँ सिंचन, लेकिन पीछे देख कितना ज्यादा ट्रैफिक आ चुका है। इतने ज्यादा ट्रैफिक से ट्रेलर को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी रास्ता मिल गया है, और ये रास्ता दोबारा हम लोग को नहीं मिलने वाला है। ट्रेलर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग का फोकस है गाड़ियां, बस गाड़ियां किसी तरीके से सेफ रहें। फंस गया हम लोग का ट्रेलर यार, ट्रेलर को कुछ भी नहीं होगा। पीछे मेरे ख्याल से कोई ना कोई गाड़ी आ गई है। चौप रिवर्स लेके जाओ, गाड़ियां खुद ही हट जाएंगी यार। गाड़ियां हट तो नहीं रही है, लेकिन इस वाले ट्रेलर के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। लिटरली में यार गाइस, पीछे जो भी गाड़ियां थी सबको ये पीछे लेके चला गया अपने साथ। अभी हम लोग को कोई और रास्ता चूज करना है। पहला प्लान तो हम लोग का फेल हो चुका है, और हम लोग की गाड़ियां अभी तक बिल्कुल सेफ है। सिमियन ने बोला है कि एक स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। लेकिन लोकेशन कौन सी है यार? पता नहीं, किसी बिलियनर का घर है चौप, और उसको हम लोगों ने देनी है ये नीचे वाली गाड़ी, ये जो रेड वाली फरारी है। लेकिन यार हमें दे, ये वाली गाड़ी तो मेरी है। तुझे मैं बाद में दिलाऊंगा सिंचन, लेकिन अभी देख फिलहाल हम लोग को फोकस करना है। और सिमियन ने तो मुझे पहले ही बताया था कि सिंचन और चौप को साथ में नहीं लेके जाना। पागल है सिमियन का, तो आपको पता ना कि उसका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता यार। हां वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ियों को लेके जाना भी कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। आई होप के यार गाइस हम लोग का काम हो जाएगा। संभल के जाओ, सामने की तरफ ट्रैफिक सिग्नल है यार, इसके नीचे से तो हम लोग की गाड़ियां इजीली निकल सकती हैं। हाँ यार गाइस, सारी की सारी गाड़ियों को बिल्कुल सही तरीके से पार्क किया तो हम लोग को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है। अभी मुझे सीधा अपने ट्रक को हाईवे पे लेके जाना है। ये वाला रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है, एक तो ये खुला भी होता है और यहाँ पे ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन मेरे मन में एक बहुत ज्यादा ओपी प्लान है यार। कौन सा प्लान है चौप? मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ये सारी की सारी गाड़ियां हम लोगों ने चुरा ली तो फिर क्या होगा? तो फिर ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, सिमियन हम लोग की कंप्लेन करेगा पुलिस में, और फिर पुलिस वाले मुझे भी अरेस्ट करेंगे, तुझे भी करेंगे, साथ में सिंचन को भी अरेस्ट करेंगे। तो फिर यार हमें तो हम लोग ये सारी की सारी गाड़ियां परचेज नहीं कर सकते क्या? सारी की सारी गाड़ियां परचेज नहीं कर सकते सिंचन, मुझे तो पता भी नहीं है कि एक गाड़ी है कितने की। सिमियन से मैंने पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। इसका मतलब ये कि गाड़ियां तो सारी की सारी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मगर अभी हम लोग को फोकस करना है। तुम लोग को पता है अगर हम लोगों ने सारी की सारी गाड़ियां डिलीवर कर दी तो फिर उसके बाद सिमियन हम लोग को देगा पूरे के पूरे 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा होती है, उसमें तो ये सारी की सारी गाड़ियां आ जाएंगी। नहीं नहीं चौप, ये वाली गाड़ियां काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। जल्दी से मैं मैप पे चेक भी कर लेता हूँ, हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने जाना है इस साइड पे, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर रास्ते में कोई चोर मिल गया हम लोग को तो फिर? अबे क्या कर रहा है चौप, पागल हो गया क्या? नहीं मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, अगर रास्ते में कोई चोर मिल गया तो फिर ये वाली सारी की सारी गाड़ियां वो चोरी करके लेके चला जाएगा। और यार हमें फिर हम लोग को सिमियन अंकल कुछ भी नहीं देगा, ऐसे कैसे चोर बीच में आएगा? सिंचन ये
नहीं, तू देख नहीं रहा कि हम लोग का ट्रेलर कितना ज्यादा ओपी है? कोई भी अगर चोर बीच में आया तो फिर वो बचेगा नहीं। लेकिन आप भी तो इतनी ज्यादा तबाही करके जा रहे हो यार। अभी हम लोग के पास टाइम कम है चॉप, सारी की सारी गाड़ियां हम लोगों ने डिलीवर करनी है, उसके बाद जो हम लोग को पैसे मिलेंगे हम लोगों ने उनको भी स्पेंड करना है। लेकिन यार हमें तो हम लोग पैसे कहाँ पे स्पेंड करेंगे? मैंने एक चीज सोच के रखी है सिंचन, और वो तेरे लिए सरप्राइज है। अभी फिलहाल मुझे इन वाली गाड़ियों को डिलीवर करने दे। पहली लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। लेकिन यार हमें तो वो देखो पीछे कौन आ रहा है, पीछे ये कौन पागल है यार गाइस, बार बार ट्रेलर को टक्कर मार रहा है। एक मिनट, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। मार दो, मैं तो बोलता हूँ कि गोली मारो इसको यार। अभी ऐसे ही करूंगा चौप, अगर दोबारा इसने ट्रेलर को टक्कर मारी तो फिर उसके बाद ये बचेगा नहीं। पागल हो गया यार गाइस, ये लिटरली में बार बार टक्कर मार रहा है हम लोग के ट्रेलर को। मुझे तो लगता है कि कोई चोरी करने के चक्कर में है। चोरी करने के चक्कर में नहीं है, पहले आपने इसको टक्कर मारी थी यार। अच्छा चल इसको आने दे चौप, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। वैसे भी मैंने तो यहाँ से राइट होना है, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ चला गया ना आगे चौप, चला गया। लगता है कि डर गया हम लोग से यार। डरा तो नहीं है, उसने जाना ही आगे की तरफ था। बट यार गाइस हम लोग फाइनली बच गए हैं, और अभी इस वाले बंदे को देनी है ये पीछे वाली छोटी फरारी। इसको नीचे उतारना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, नीचे मैं इसको उतार दूंगा। लेकिन एक सेकेंड, हम लोग का ट्रेलर सही से ऊपर नहीं जा रहा है। जाएगा, पावर नहीं है क्या इसके पास यार? पावर तो है चौप, लेकिन ज्यादा पावर नहीं है इसके पास। अबे चल ना ऊपर, यहाँ पे कैसे फंस सकता है? अरे यार हमें, मैं इसको उतर के धक्का लगाऊं क्या? धक्का कैसे लगाएगा सिंचन, इसको जाना होगा ऊपर की तरफ। और चला गया यार गाइस, फाइनली हम लोग का ट्रेलर ऊपर आ चुका है। लेकिन अभी ये लोकेशन किधर की भेजी है उसने? ये वाला घर है क्या? ये तो अभी तक बना ही नहीं है, तो फिर कौन से घर पे जाना है हम लोगों ने? वो ऊपर वाला घर, ये वाला घर तो मुझे दिखने में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। लॉस सैंटोस के अंदर इतने ज्यादा पैसे किसके पास होंगे यार? ये तो मुझे नहीं पता चौप, लेकिन ट्रेलर हम लोग का निकल गया है। जल्दी से ट्रेलर को वापस लगाता हूँ, घर देखने के चक्कर में मैंने सामने तो देखा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, दोबारा हम लोग इसको अटैच कर लेंगे और हो गया। अभी धीरे धीरे हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं आगे की तरफ। काफी ज्यादा बड़ा है साइज में, इसको चलाना भी मुश्किल है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सिम्योन के लिए ये वाला काम पहले भी किया है, मगर उस टाइम हम लोग के पास इतनी ज्यादा ओपी गाड़ियां नहीं थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये घर देखो कितना ओपी है यार। वही मैं देख रहा हूँ चौप, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही गाड़ियां खड़ी हैं, और सामने की तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। अभी देखो तुम लोग एक काम करो कि एक गाड़ी से उतरना नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इनमें से कोई एक गाड़ी साथ ले चलूं यार। नहीं चौप, पागल हो गया क्या? पागल तो नहीं हूं, बस वैसे ही सोच रहा हूं यार। ऐसा सोचना भी नहीं है तूने, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। मुझे अभी धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना है, रास्ता काफी ज्यादा छोटा है। और एक मिनट, यहाँ पे लोग हम लोग से लड़ने आ रहे हैं, मुझे इनको भगाना होगा। भाग गए सामने वाले लोग, तो भाग गए। लेकिन अभी इस ट्रक को पार्क करना भी तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, सीधा ही नहीं हो रहा। लेकिन मुझे अभी करना तो पड़ेगा इसको सीधा। और हो गया फाइनली यार गाइस, हो गया है। इतनी ज्यादा ओपी पार्किंग कैसे कर सकते हो यार? अभी देख चौप मेरी बात सुन, चाहे कुछ भी हो जाए तूने नीचे नहीं उतरना। लेकिन हम लोग के ट्रक का टायर नीचे आ गया यार। टायर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिंचन, एक काम करके पीछे वाला दरवाजा खोल दे। लेकिन यार हमें तो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं सिंचन, अभी फिलहाल मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तू सारी की सारी गाड़ियों के ऊपर नजर रख। मैं तब तक ये वाली गाड़ी अंदर डिलीवर करके आता हूँ, थोड़ा सा इसको स्क्रैच लगा होगा, लेकिन नहीं हम लोग सेफ हैं। गाड़ी को एक भी स्क्रैच नहीं आया। लेकिन अभी एक गाड़ी लेकर आया हूँ तुम लोग की। एक काम करो कि गाड़ी को सामने की तरफ लेके जाओ। अच्छा ठीक है, इतना भयानक क्यों बोल रहे हो? काफी ज्यादा अमीर लोग हैं। चलो दरवाजा खोलो, गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी लेकर आया तो पीछे वाले साइड से जाओ। तुम लोग को गाड़ी चाहिए या फिर नहीं? मेरे साथ बहस मत कर। ये बोल रहा है पीछे जाओ, वो बोल रहा है आगे जाओ, पता नहीं यार गाइस, मेरे ख्याल से इन लोग को गाड़ी चाहिए ही नहीं। लेकिन सिम्योन ने तो यही बोला है, अबे दरवाजा खोलो, गाड़ी देने के लिए आया हूँ तुम लोग को। अबे गाड़ी सामने वाले गेट में जाएगी, वो बोल रहा है यहाँ पर आओ, तुम बोल रहे हो सामने जाओ, वो तुम्हारा बॉस पीछे खड़ा हुआ है। सर आपकी गाड़ी लेकर आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, आने दो इसको, आने दो। वो देखो तुम्हारा बॉस बोल रहा है आने दो, दरवाजा खोलो जल्दी करो। घर तो वैसे इसका काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार गाइस, गाड़ियां भी बहुत ज्यादा है इसके पास। और ये लो सर आपकी गाड़ी को मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, चेक कर सकते हो, एक भी स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, वो पेमेंट अंदर पड़ी है, जाके ले लो। अच्छा ठीक है, पेमेंट तो मैं ले लूंगा, साथ में इसका घर भी देख लेता हूँ। वैसे घर तो यार गाइस काफी ज्यादा ओपी है इसका। और एक मिनट, मुझे अपनी गन को छुपाना होगा, अभी जाके इसके घर को चेक करता हूँ यार गाइस। ये घर तो इसका कुछ ज्यादा ही ओपी है, हेलीकॉप्टर भी है इसके पास। मुझे तो लग रहा है कि ये लॉस सैंटोस का काफी ज्यादा अमीर बंदा है। सिम्योन ने इतना तो मुझे बताया था कि ये बिलियनेयर है, लेकिन इतना ओपी घर होगा मैंने सोचा नहीं था। और ये नीचे की तरफ क्या पार्टी हो रही है क्या? हाँ यार गाइस यहाँ पे पार्टी हो रही है। और एक सेकेंड ये देखो, यहाँ पे पूल टेबल भी है यार गाइस, साथ में यहाँ पे जिम भी है। मुझे तो इसका घर काफी
ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। वो पैसे किधर हैं? कौन से पैसे किधर हैं? वो तुम्हारे बॉस ने बोला है पैसे ले लो। वो अंदर जाओ, पीछे बार वाली साइड पे होंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। और एक मिनट, ये तो मिलिट्री का जनरल है यार गाइस, ये भी पार्टी के अंदर आया हुआ है। लेकिन मुझे अपना ब्रीफकेस उठा के चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। टकले बात सुनो, वो ब्रीफकेस दे दो। अच्छा ठीक है देता हूँ, टकला मत बोल मुझे। अच्छा ठीक है जल्दी करो, ब्रीफकेस दो। पता नहीं अभी इसके अंदर कितने पैसे होंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि यार गाइस पैसे काफी ज्यादा होने वाले हैं इसके अंदर। दिल तो कर रहा है कि खोल के चेक कर लूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूं। मेरा काम यहीं तक था यार गाइस, मुझे अभी यहां से बाहर निकलना होगा। घर तो इसका काफी ज्यादा अच्छा है, बल्कि घर नहीं बोलेंगे यार गाइस, ये पूरा का पूरा मेंशन है, बहुत ही ज्यादा ओपी है। ये वाला रास्ता किधर जा रहा है? यहां पे भी जाके चेक कर लेता हूं। मुझे तो इसका घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये बंद हो गया यहां से, बल्कि नहीं स्टेयर्स लगी हुई हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही खुफिया रास्ता था। सर मैंने पेमेंट ले लिया, मैं अभी जा रहा हूं। ठीक है चले जाओ। फाइनली यार गाइस हम लोग का काम हो गया, पहली गाड़ी हम लोगों ने डिलीवर कर दी है। आ जा सिंचन ट्रक के अंदर बैठ जा, काफी ज्यादा टेक्निकल काम है। और ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अभी सिंचन को गाड़ी के नीचे दे दिया। बैठ बैठ सिंचन, जल्दी कर, यहाँ पे पता नहीं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। अगर तो इन लोग की गोली मेरे ट्रक को लग गई ना, सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाएंगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पागल है यार गाइस, ये पुलिस वाले भी कहीं पे भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना है, मैं सेफ हूँ, मैं भी सेफ हूँ और मेरे साथ ये वाली गाड़ियां भी सेफ है। अभी हम लोगों ने जाना है दूसरी गाड़ी को डिलीवर करने। गाड़ियां इतनी ज्यादा ओपी है, इनमें से कोई एक हम लोग अपने पास रख लेते ना यार। पागल हो गया चौप, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं। लेकिन यार हमें तो उस वाली गाड़ी के कितने पैसे मिले? पैसे तो मैंने चेक नहीं किए हैं सिंचन, पता नहीं एक ब्रीफ केस मिला है, उसके अंदर क्या चीज होगी ये मुझे नहीं पता है। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई डायमंड होगा यार, पता नहीं क्या होगा चौप। लेकिन अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला वन कार डिलीवर करनी है। सारे के सारे बिलियनियर के घर आप अकेले देख रहे हो यार? क्यों चौप, तूने भी देखना है क्या? मेरा भी इतना ज्यादा दिल कर रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बिलियनियर के घर देखूं यार। अच्छा चल ठीक है, अगर ये वाला घर खाली हुआ ना फिर मैं तुझे लेके जाऊंगा। लेकिन यार हमें तो इस वाले घर को कौन सी गाड़ी देनी है? इस वाले घर को सिंचन, ये जो नीचे फॉर्मूला वन कार खड़ी है ना, ये वाली गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर करनी है। और घर की लोकेशन ये रही यार गाइस, ये घर कितना ज्यादा ओपी है, ये तो बिल्कुल मिलिट्री बेस के सामने वाला घर है। लेकिन यार हमें दे, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? नहीं नहीं सिंचन, पता नहीं अंदर कैसे लोग होंगे, तू यहीं पे वेट कर, मैं बस फटाफट से जाके ये वाली गाड़ी इन लोग को देकर आता हूँ। लेकिन ये गाड़ी दिखने में है कितनी ज्यादा ओपी यार, दिखने में भी ओपी है और चौप चलने में भी काफी ज्यादा ओपी है। अभी गेट तो खुल गया है, पता नहीं अंदर कोई होगा भी या फिर नहीं, बट यार गाइस ये घर बहुत ही ज्यादा ओपी है, इस तरह का घर तो हम लोग का भी होना चाहिए। लेकिन यार हमें तो जब हम लोग के पास पैसे आ जाएंगे तब हम लोग इस तरह का घर बनाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ सिंचन, 5,000 करोड़ का तो हम लोग को ये वाला घर मिल ही जाएगा। मगर इसका गैराज किधर है? ये दरवाजा देखो किस तरह का है। ओबे भाई साहब ये घर कितना ज्यादा अच्छा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस वाले घर को परचेज कर लूं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है। इस बंदे के पास तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा ओपी गाड़ियां हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी भी हम लोगों ने इसी को देनी है। एक काम करता हूँ ना कि इसको यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और अभी मुझे चाहिए मेरे पैसे। हाँ भाई पैसे किधर हैं? तुम्हारे पैसे घर के लाउंज में पड़े हुए, ब्रीफकेस होगा उठा लेना। अच्छा चलो ठीक है, परमिशन मिल गई, हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं। इतना ज्यादा ओपी घर है यार गाइस, देखना तो मैं भी चाहता हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक सेकंड, ये क्या चीज है? ऊपर की तरफ हेलीपैड है और ये मेरे ख्याल से इन लोग का पार्टी रूम है यार गाइस, ये भी कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन दरवाजा कैसे खुलेगा? कितना बड़ा दरवाजा है, वो भी शीशे का है। जगह भी मुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। लेकिन अभी हम लोग का ये घर है नहीं। मगर एक सेकंड, ये क्या चीज है? ये दरवाजा भी खुलता है तो भाई साहब एक सेकंड ये चेक करो, कितना ज्यादा ओपी बाथरूम है। लेकिन मुझे अभी अपने पैसे चाहिए यार गाइस, ब्रीफकेस उठा के मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। और एक मिनट, सामने की तरफ शीशा है, मुझे लगा था कि दरवाजा होगा। और एक मिनट, ये नीचे क्या चीज बना के रखी है इसने? घर हो तो इस तरह का हो यार गाइस, हम लोगों ने इतने ज्यादा ओपी घरों को अपग्रेड किया है, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा ओपी घर हम लोगों ने अपग्रेड नहीं किया यार गाइस। सोच रहा हूं कि ये वाला घर परचेस कर लूं, मुझे तो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये वाली जगह देखो कितनी ज्यादा ओपी है, हम लोग यहाँ पे बैठ के पार्टी भी कर सकते हैं यार गाइस, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कहना है कि ये हम लोग का घर है नहीं। और मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि ये घर कितने का होगा, 5,000 करोड़ में तो बन जाएगा। हाँ यार गाइस, अभी जब सिमियन हम लोग को पैसे देगा ना, उसके बाद हो सकता है कि मैं इस तरह का घर परचेस कर लूं। मगर ये चेक करो यार गाइस, एक स्विमिंग पूल इन लोगों ने यहाँ पे बना के रखा है और दूसरा स्विमिंग पूल इन लोग का दूसरी साइड पर है। घर तो मानना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। लेकिन अभी इतने बड़े घर का लाउंज कहाँ पे होगा? कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बाथरूम है, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, पता नहीं किसका घर है, लेकिन बहुत ज्यादा ओपी है। किचन देखो, ये इन लोग का किचन है, उसके बाद ये रहा यार गाइस। फाइनली हम लोग लाउंज में आ चुके हैं। जी सर, आपको कोई काम है क्या? हाँ, वो गाड़ी डिलीवर करने के लिए आया था, वो मैंने पार्क कर दी, अभी मुझे पैसे चाहिए। ठीक है सर, पैसे आपके ऊपर है। अच्छा, इसका मतलब ये कि हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, मजा आने वाला है यार।
गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये घर तो मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन अभी ऊपर हम लोग जाएंगे कैसे? सर सीढ़ियों से भी जा सकते हो, एलिवेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ। ये क्या चीज है यार गाइस, फटाफट से यहाँ पे चल के चेक करते हैं। तो भाई साहब, ये तो जिम है, बल्कि नहीं जिम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल है, और ट्रेडमिल के साथ यहाँ पे एक बेडरूम है। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ज्यादा यहाँ पे घूम नहीं सकता हूँ। हाँ यार गाइस, हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं घूम सकते हैं, लेकिन जो भी है यार गाइस, घर बहुत ही ज्यादा ओपी है। ये क्या चीज है, टॉयलेट सीट होगी, मुझे पहले ही पता था। अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ, कहीं इसका मालिक ना आ जाए, क्योंकि अगर तो इस घर के मालिक ने हम लोग को देख लिया ना, उसके बाद पैसे वैसे तो हम लोग को मिलेंगे नहीं। लेकिन मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि ये क्या चीज है, ये भी बेडरूम है। दो बेडरूम तो मैंने घर के देख लिए हैं यार गाइस, सारे के सारे ओपी हैं। उसके बाद सामने की तरफ एक और चीज भी है, मेरे ख्याल से ये भी बेडरूम होगा, मगर ये वाला बेडरूम काफी ज्यादा ओपी है लिटरली में यार गाइस। ये देखो, यहाँ पे इसने पूरा का पूरा गेमिंग सेटअप बना के रखा है, जहाँ पर बैठ के ये बिलियनेयर गेमिंग भी करता होगा और यहाँ से व्यू भी एंजॉय करता होगा। उसके बाद ये इसका बाथरूम है और साथ ही इसका बेडरूम है। घर तो मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन एक मिनट, ये क्या चीज है, ये तो इन्फिनिटी पूल है यार गाइस। इसने अपने घर के सामने पूल बना के रखा है। तीन चार तो पूल मैंने देख लिए इस घर में, लेकिन मुझे अपने पैसे नहीं दिखाई दे रहे। पैसे कहाँ पर होंगे, काम करता हूँ कि यहाँ से नीचे चलता हूँ। अबे पैसे किधर हैं? सर क्या हुआ, ऊपर बेडरूम में नहीं थे क्या? नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दिए। चलो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं देता हूँ पैसे। फाइनली यार गाइस, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं, अभी हम लोग को यहाँ से जाना होगा। लेकिन यार हमें पे आपने तो हम लोग को घर दिखाया नहीं। सिंचन तुझे नहीं दिखाया, लेकिन मैं खुद देख कर आया हूँ, ये वाला घर बहुत ज्यादा ओपी है। ऐसा भी क्या था इस घर के अंदर यार, चौप तीन तो बेडरूम थे और गेमिंग सेटअप भी था, बहुत ज्यादा अच्छा घर है। फिर कभी अगर हम लोग यहाँ पे आए तो फिर मैं तुझे दिखा दूंगा। सारे के सारे पैसे आपने चेक किए क्या यार? नहीं चौप, ब्रीफ केस के अंदर तो मैंने नहीं देखा, पता नहीं उसके अंदर क्या चीज होगी। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर डायमंड्स होंगे यार। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। सिंचन जल्दी से बैठ जा, अभी हम लोगों ने जाना है दूसरी लोकेशन पे, और वहाँ पे हम लोगों ने डिलीवर करनी है ये वाली मस्टैंग। लेकिन यार हमें तो वो देखो, ट्रेलर तो पीछे से बंद है ही नहीं। हाँ ट्रेलर को हम लोग चलते चलते बंद कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना है दूसरी लोकेशन पर, और पता नहीं अभी ये दूसरी लोकेशन कहाँ पर होगी। मगर एक मिनट, रास्ता गलत हो गया है, हम लोग ये तो सीधा मिलिट्री बेस के अंदर जा रहे हैं यार गाइस, ये रास्ता नहीं है हम लोग का। मुझे यहाँ से अपने ट्रेलर को वापस से टर्न करना होगा, और एक मिनट, गई सारी की सारी गाड़ियां टूट गई। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जो वो देख, ट्रेलर हम लोग को उल्टा हो गया है। तो ये सीधे हो जाओ प्लीज, सीधे हो जाओ, अगर गाड़ियों को कुछ भी हुआ ना यार गाइस, फिर सिमोन मुझे नहीं छोड़ेगा लिटरली में यार गाइस। ये सारी की सारी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा महंगी हैं, अब क्या करूंगा चौप? मुझे तो खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा है, टक्कर मारो इसको यार। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, टक्कर मारता हूँ, और हो गया फाइनली यार गाइस, सीधा हो गया। गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, सीधे हो जाओ। ट्रेलर को हम लोगों ने सीधा कर दिया और गाड़ियां हम लोग की सेफ है, बाल बाल बचे यार गाइस। मुझे लगा था कि ये सारी की सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बच गए हम लोग की किस्मत अच्छी है। लेकिन अभी मुझे इस वाले ट्रेलर को वापस से इसमें लगाना है, और अभी चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन नहीं यार गाइस, ऐसे तो नहीं लगेगा ये, मुझे अपने ट्रेलर को थोड़ा सा और पीछे लेके जाना है, फिर यहाँ से मुझे इसको अटैच करना होगा। काफी ज्यादा टेक्निकल काम है, तो सिमोन भी पता नहीं कैसे कैसे काम कराता है। पैसे भी तो देता है ना बदले में यार? हाँ पैसे भी देता है वो हम लोग को। और फाइनली यार गाइस अटैच हो चुका है, अभी सामने की तरफ मिलिट्री बेस है, वहाँ पे तो मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था पहले भी कि मैं अपने ट्रेलर को यहाँ से टर्न करूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एंगल खराब हो गया था। अभी यार गाइस टर्न हो चुका है, और मुझे लगता है कि अभी ये नहीं गिरेगा। हाँ यार गाइस, फाइनली हम लोगों ने अपने ट्रक को टर्न कर लिया है। हम लोग की गाड़ियाँ देखो कितनी ज्यादा ओपी शाइन कर रही है यार। गाड़ियाँ चौप सारी की सारी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और मुझे तो ये पीछे वाली लैम्बोर्गिनी भी अच्छी लग रही है, और ये वाली अपोलो भी अच्छी लग रही है। लेकिन यार हमें तो ये फोर्ड मस्टैंग भी बहुत ज्यादा ओपी है। नहीं नहीं सिंचन, ये फोर्ड मस्टैंग अच्छी है, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे तो ये लैम्बोर्गिनी अच्छी लग रही है, और इससे पीछे वाली अपोलो अच्छी लग रही है, और मुझे तो ये वाली बीएमडब्ल्यू भी अच्छी लग रही है यार। नहीं बीएमडब्ल्यू तो नॉर्मल है जॉब, उसमें कोई खास बात नहीं है। अभी मुझे बस फटाफट से जाना होगा दूसरी लोकेशन पे। लेकिन यार हमें तो ये दूसरी लोकेशन है किधर? सिंचन ये जो सामने की तरफ एक वाटरफॉल आता है ना, वो वाली लोकेशन भेजी है सिमोन ने। अभी पता नहीं वाटरफॉल के पास किसका घर होगा। जिसका भी घर होगा, वाटरफॉल वाला घर बहुत ज्यादा ओपी होगा यार। मुझे भी ऐसा ही लगता है जॉब, वाटरफॉल वाला घर काफी ज्यादा ओपी होने वाला है। लेकिन वाटरफॉल किधर आता है, ऊपर या फिर नीचे? ऊपर जाए तो यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाएंगे और सामने घर आ जाएगा यार। लेकिन ये देख चौप, ये ट्रक वाला कितना पागल था। सारे के सारे पागल यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको खुद ही अपने ट्रक को कंट्रोल करना होगा यार। कर रहा हूँ चौप, अभी तक तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी धीरे धीरे यहाँ से आगे जाना होगा। ये जो नीचे वाला घर है, इसकी बात कर रहे हो यार? इसी की बात कर रहा हूँ चौप, तुम लोगों ने रास्ता गलत करवा दिया है। कोई बात नहीं, पीछे की तरफ एक शॉर्टकट है यार। अभी शॉर्टकट हम लोग कैसे मारेंगे चौप? ट्रेलर नीचे जा रहा है, ट्रेलर को बचाना होगा, कुछ भी करके मुझे ट्रेलर को बचाना होगा। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं इसके ऊपर, और लगता है कि डिटैच हो गया है। मुझे वापस से इसको अटैच करना है, एक मिनट,
थोड़ा सा पीछे जाएंगे और अभी ये लड़की क्या कर रही है। अबे यार गाइस मसला हो गया ना यहाँ पे, इसी बात की तो मुझे चिंता हो रही थी। मेरे ख्याल से हम लोग के ट्रेलर के नीचे आ चुकी है, ऐसा ही लगता है मुझे हम लोग के ट्रेलर के नीचे आ चुकी है। लेकिन ये वाला ट्रक भी तो नहीं मूव कर रहा है, सामने की तरफ पता नहीं क्या लगा के दे दिया ऐसे म्यान ने, और पुलिस भी पीछे लग गई, वन स्टार पुलिस पीछे लग गई। चॉप अब क्या करूं, जो भी करना होगा जल्दी करना होगा यार। एक मिनट चॉप, ये हम लोग का ट्रक किधर जा रहा है? ट्रक तो सही रास्ते पे आ गया लेकिन हम लोग का ट्रेलर पीछे ही रुक गया है। क्या करूं, ये क्या ही दे दिया ऐसे म्यान ने यार। गाइस ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीज है, इतने में तो पुलिस आ जाएगी, जल्दी करना होगा मुझे यार। गाइस काफी ज्यादा नुकसान कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, इतना तो मुझे पता है नुकसान हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया है। अभी फौरन से पहले बस यहाँ से निकलना है किसी तरीके से। ये वाला ट्रेलर अटैच ही नहीं हो रहा यार, इसी बात की तो दिक्कत है चॉप, ये ट्रेलर अटैच नहीं हो रहा है। पीछे पुलिस वाला भी आ गया और ये नहीं अटैच हो रहा भाई साहब, ऐसे तो ये नहीं अटैच होगा। अब क्या करें चॉप, पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाएंगे हम लोग को यार। एक मिनट, ये सारी की सारी गाड़ियां भी हम लोग के हाथ से निकल जाएंगी, ऐसा नहीं होने दूंगा यार। गाइस मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अभी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, करना पड़ेगा यार। गाइस सिमियन ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और मैं सिमियन का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता हूँ यार। गाइस काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले हम लोग को, इतनी गोलियां मारूंगा ना कि पुलिस वाले भी भाग जाएंगे। एक सेकंड, ये देखो ये कौन था यार। गाइस ये तो कोई फार्मर था, तो फिर इसको क्या दिक्कत है, ये क्यों मुझे गोलियां मारा था। सिंचन तू ठीक है ना? अरे यार हमिद मैं तो ट्रक के अंदर हूँ। ठीक है तो एक काम करके ट्रक के अंदर ही बैठा रहे, मैं तब तक जरा इन लोग से थोड़ा सा निपट लूं, लगता है कि इतना काफी है, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। अभी ज्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते, मुझे फौरन से पहले यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं यार गाइस ये पुलिस वाले कहाँ से आ गए एकदम से। जल्दी 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 जल्दी, अबे हट जाओ पीछे से, हट जाओ, क्यों आ रहे हो बीच में। मुश्किल से एक जॉब मिलती है और ये पुलिस वाले बीच में आ जाते हैं। एक दफा अटैच हो जाए, हो गया यार गाइस अटैच हो गया है। और ये सिंचन किधर जा रहा है? सिंचन पीछे रह गया। चॉप क्या बात कर रहे हो, सिंचन पीछे ही है क्या यार? हाँ ना चॉप, सिंचन पीछे रह गया है। तो फिर अभी आपके पास क्या प्लान है यार? मेरे पास एक रास्ता है चॉप, मैं पुलिस वालों से बच सकता हूँ। जल्दी करो, जो भी प्लान है जल्दी से प्लान को यूज करो यार। एक मिनट रुक जा चॉप, मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है, बल्कि नहीं, हम लोग का ट्रेलर यहाँ पे भी नहीं जा सकता है। मुझे वापस से गाड़ी को पीछे लेके जाना है और दोबारा डिटैच हो गया। अभी मुश्किल है चॉप, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट कर, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन आप किधर जा रहे हो यार? बताता हूँ चॉप, तू यहीं पे वेट कर, मैं तब तक थोड़ा सा इन लोग को चकमा दे दूं, गाड़ी कौन सी अच्छी है। सारी की सारी गाड़ियां किसी काम की नहीं है, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। मेरे पास एक बहुत ज्यादा ओपी प्लान है तो सही, एक दफा बस ये गाड़ी मिल जाए। और अभी मुझे यहां से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। गाड़ी वालों को लग रहा है कि मैं ट्रेलर के अंदर हूं, लेकिन यार गाइस मैं ट्रेलर के अंदर हूं नहीं, और मैंने एक रास्ता देख के रखा है। अबे निकलो ना, गाड़ी भी कुछ ज्यादा स्लो है, और मैंने जो रास्ता देख के रखा है ना यार गाइस, वो है ये वाला रास्ता। मुझे जल्दी से यहां पे छुपना होगा। आई होप कि यार गाइस यहां पे कोई भी नहीं आएगा, ये जगह बहुत ही सेफ है, कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं देख पाएगा। हाँ यार गाइस ये जगह बहुत ज्यादा ओपी है। बल्कि एक मिनट, वो पीछे एक गाड़ी वाला आ गया है और मुझे लगता है कि उसने मुझे देख लिया। यार गाइस ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि नहीं 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 आ गया यार गाइस, ये अंदर आ गए हैं। क्या करूं, थोड़ा सा आगे जाना होगा, एक और रास्ता मैंने देखा हुआ है, बच जाएंगे हम लोग। मुझे लगता है कि हम लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग ना बचे ना, उसके बाद सीधा जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन और फिर गाड़ियां वाड़ियां यहीं पे रह जाएंगी। पता नहीं एकदम से पुलिस कैसे बीच में आ गई, सारा का सारा प्लान ही इन लोगों ने चौपट करके यार गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है हम लोग के साथ। आज का दिन काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, एक और रास्ता देखा हुआ है मैंने। एक दफा अगर मैं वहां पे पहुंच गया ना, उसके बाद पुलिस की दिक्कत नहीं है। और एक मिनट, सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ, ये इस टाइम पे ऐसे काम नहीं करने होते। क्या करूं मैं इस गाड़ी को, कुछ भी नहीं कर सकते यार गाइस, फिलहाल एक ही ऑप्शन है हम लोग के पास। और रास्ता मुझे कोई यहाँ पे पता तो है नहीं, लेकिन ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। एक काम करता हूँ ना कि इस वाले घर के अंदर जाके छुप जाता हूँ। हाँ यार गाइस, किसी को क्या पता कि ये किसका घर है, और मैं भी घर के अंदर बिल्कुल सेफली आ चुका हूँ। अभी बस मुझे अपने आप को कहीं पे छुपाना होगा। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा अंदर जाके कहीं ना कहीं पे छुप जाता हूँ। जगह तो कोई भी नहीं है यार गाइस, एक जगह मुझे दिख गई है, यहाँ पे मैं चुपचाप छुप जाता हूँ। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। धीरे धीरे पुलिस के स्टार्स कम हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। इतना मुझे पता है कि यार गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं आने वाला है। काफी ज्यादा चोट भी लग गई है और 5-स्टार पुलिस यार गाइस, लिटरली मैं 5-स्टार पुलिस हम लोग के पीछे लग गई है। लेकिन प्लान तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा ओपी है। अभी ये चले जाएंगे पुलिस वाले, इनको पता नहीं है कि मैं इधर हूँ। लगता है कि चले गए यार गाइस, पुलिस वाले जा चुके हैं। और एक मिनट, वो रहे यार गाइस, ये रहे, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इन लोगों ने मुझे देखा नहीं है, अगर तो ये लोग मुझे देख लेते ना तो एक सेकंड में मार देते। बिल्कुल मेरी पीछे वाली साइड से जा रहे हैं ये लोग ऊपर की तरफ। मैं एक काम करता हूँ ना कि यहाँ से निकल जाता हूँ। काफी ज्यादा गोलियां मारी हैं इन लोगों ने मुझे यार गाइस। लेकिन ये लोग अंधे हैं क्या? यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इन लोग को लगता है कि दिखाई नहीं दी। मगर मुझे अभी यहाँ से बाहर जाना होगा। एक काम करता हूँ कि सामने वाले रोड पकड़ के जाता हूँ अपने ट्रक के पास। यार गाइस सिंचन भी भाग गया रास्ते के बीच में, पता नहीं अभी वो किधर होगा और चॉप भी बचा होगा।
या फिर नहीं, लेकिन मैं बची हूँ। मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे पुलिस वाले नहीं है। एक काम करता हूँ ना कि मैंने यहाँ पर एक गाड़ी देखी थी, जल्दी से ये वाली गाड़ी चुरा के यहाँ से निकल जाता हूँ। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं यार गाइस, हम लोग बच गए हैं। अभी जल्दी से जाता हूँ अपने ट्रक के पास। जॉब तो अभी तक इधर ही बैठा हुआ है क्या? मैं तो इधर ही हूँ, पुलिस वाले यहाँ पर आए ही नहीं यार। सिंचन किधर है? सिंचन का कुछ अता पता नहीं है, लगता है कि सिंचन को इन लोगों ने मार दिया है। ऐसे कैसे मार दिया चौप? पागल हो गया क्या? हम लोग की गाड़ियाँ पीछे ही है, हम लोग की गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ है यार गाइस। फाइनली हम लोग को हमारी गाड़ियाँ मिल गई है, लेकिन अभी ये सिंचन किधर है? सिंचन को भी देखता हूँ, मगर एक मिनट, अभी नहीं यार गाइस। अभी मैंने जल्दी से इस वाले ट्रक को उस वाले ट्रेलर के साथ अटैच करना है, बाकी के काम हम लोग बाद में देखेंगे। और हो जाओ, हो गया फाइनली यार गाइस, ट्रेलर हम लोगों ने अटैच कर लिया है। लेकिन सिंचन किधर है चौप? कुछ भी पता नहीं चला, सिंचन पता नहीं किधर होगा यार। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सिंचन पता नहीं किधर है। एक काम करता हूँ कि सिंचन को कॉल करता हूँ। सिंचन को कॉल बाद में करेंगे, पहले गाड़ी को डिलीवर करो यार। हाँ गाड़ी को डिलीवर चौप हम लोगों ने नीचे वाली साइड से करना है। एक काम करता हूँ ना कि यहाँ से इसको ऊपर लेके जाता हूँ। हम लोग का ट्रेलर बहुत ज्यादा ओपी है, अभी बस यहाँ से मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। लेकिन चौप मुझे पता क्या लगता है? आपको क्या लगता है यार? मुझे लगता है कि सिंचन सामने वाले मेंशन के अंदर होगा। क्या बात कर रहे हो, मेंशन के अंदर सिंचन को कौन आने देगा यार? चौप सिंचन काफी ज्यादा स्मार्ट है, तुझे उसका पता तो है। उसने यहाँ पे किसी को बोल दिया होगा कि वो गाड़ियों को डिलीवर करने के लिए आया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो सिंचन बहुत ज्यादा स्मार्ट यार। मगर अभी यहाँ से अंदर कैसे जाऊंगा? एक काम करता हूँ ना कि ट्रक को इधर ही पार्क करता हूँ, ये वाली जगह नहीं ट्रक को मुझे पार्क करना होगा यहाँ पर, साइड पे करके पार्क करेंगे। और अभी इसको हम लोगों ने ये वाली मस्टैंग देनी है, जल्दी से इसको बाहर निकालता हूँ। ये वाला मेंशन दिखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, आज से पहले कभी देखा नहीं है। इसकी एंट्रेंस भी कुछ ज्यादा ही ओपी है और गाड़ी इसने ये वाली मस्टैंग मंगवाई है। लेकिन इसके पास कौन सी गाड़ियां यार गाइस? फ्यूल स्टेशन इसने अपना ही बना के रखा है यहाँ पे, काफी ज्यादा पैसे होंगे इसके पास। लैम्बोर्गिनी भी है, फरारी भी है, दूसरी भी फरारी है, बल्कि नहीं, इनमें से कोई एक मैक्लारेन लग रही है मुझे, और पीछे एक बुगाटी भी है। गाड़ियां सारी की सारी है, इसका मतलब ये कि पैसे वैसे इसके पास बहुत है। लेकिन अभी इसको कहाँ पे पार्क करूँ? इसने इस वाली गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह बनाई नहीं है। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ इसको, और चलते हैं अंदर वाली साइड पे अपने पैसे लेने के लिए। मेंशन तो इसका काफी ज्यादा ओपी है यार गाइस, आज से पहले इस तरह का मेंशन देखा नहीं है। और मुझे तो ये किसी माफिया का घर लग रहा है लिटरली में यार गाइस, ये किसी आम बंदे का घर नहीं है। और वो रे पैसों वाला ब्रीफकेस तो इधर पड़ा हुआ है, जल्दी से इसको उठा के यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन एक मिनट, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाले पैसे किसी और के हो यार गाइस, हम लोग पहले इन लोग से पूछ लेंगे। सामने की तरफ देखो भाई साहब कितनी ज्यादा गन्स हैं, लेकिन मुझे अभी यहाँ से ऊपर जाना है। ये इन लोग का लाउंज है, ओपी है यार गाइस, पूरा का पूरा घर इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा बना के रखा है। और एक मिनट, ये किस तरह का बाथरूम है? अच्छा है यार गाइस, ये भी काफी ज्यादा ओपी है, आज से पहले कभी इस तरह का घर नहीं देखा, क्योंकि ये वाला घर बिल्कुल वाटरफॉल के ऊपर बना हुआ है। इसका मालिक अभी पता नहीं किधर होगा, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर वाली साइड पर हो। मगर एक मिनट, यहाँ पर भी इसका मालिक नहीं है, तो फिर किधर है? पैसे चाहिए मुझे अपने बेडरूम। देखो यार गाइस क्या ही ओपी बेडरूम है, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम लोग भी इस तरह का घर बनाएंगे। और यहाँ पे इसका गेमिंग सेटअप है, काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन मुझे अभी इसके ऑनर को ढूंढना है, जो कि यहाँ कहीं पे दिखाई दे ही नहीं रहा, हो सकता है कि बाहर वाली साइड पर हो। एक सेकेंड, ये रास्ता किधर को जा रहा है? जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। और भाई साहब यहाँ पर एक और बेडरूम है, और इसका व्यू देखो यार गाइस कितना ज्यादा ओपी व्यू है। लेकिन मुझे इसके मालिक को ढूंढना है। आप इस घर के ऑनर हो क्या? तो क्या तू ऑनर है क्या इस घर का? नहीं, वैसे घर आपने बहुत ज्यादा ओपी जगह पे बना के रखा है। ठीक है, तू है कौन? मैं आपके पास आपकी गाड़ी लेकर आया हूँ। अच्छा, वो ग्रीन वाली मस्टैंग? हाँ, वो ग्रीन वाली फोर्ड मस्टैंग, वो लेकर आया हूँ। चलो ठीक है, वो पैसे तुम्हारे बाहर टेरेस में पड़े, मैं जाके उठा लो। अच्छा, वो जो ब्रीफ केस खुला हुआ पड़ा हुआ है? हाँ वही पैसे हैं तुम्हारे, ले जाओ। चलो ठीक है, थोड़ी सी स्विमिंग कर सकता हूँ क्या? अरे पूरा का पूरा पानी गंदा कर दिया, एक नंबर का नूबड़ा यार गाइस, बोल रहा है कि पानी गंदा कर दिया। तुम्हारा कौन सा स्विमिंग पूल है ये? और मुझे तो लग रहा है कि ये वाला घर भी इलीगल है। हैं, क्या बोला तूने? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये वाला घर इलीगल है, क्योंकि ये तो नेचुरल वाटरफॉल है। अबे मैं आर्मी का कैप्टन हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। मुझे पहले ही पता था कि यार गाइस ये कोई मिलिट्री का बंदा है, क्योंकि जितनी गन्स इसने यहाँ पे लगा के रखी है ना, ये मुझे कोई आम बंदा तो लग ही नहीं रहा था। मगर मुझे अभी अपने पैसे उठा के यहाँ से निकलना है, जल्दी से पैसे उठाते हैं और फौरन से पहले निकलते हैं यहाँ से। लेकिन निकलने का रास्ता कौन सा है? निकलने का रास्ता ये वाला है, घर इसका मानना पड़ेगा यार गाइस, काफी ज्यादा अच्छा है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि अभी तक आपको सबसे ज्यादा ओपी घर कौन सा लगा है। ये तो मेरे ख्याल से तीसरा घर है, अगर आपको पहला घर
अच्छा लगा है तो 1 OP लिख देना, दूसरा अच्छा लगा है तो 2 OP, और अगर ये अच्छा लगा है तो 3 OP लिख देना। साथ में गाड़ियों का भी बताना यार गाइस, लैम्बोर्गिनी आपको अच्छी लगती है या फिर अपोलो अच्छी लगती है? मुझे तो पर्सनली अपोलो ज्यादा अच्छी लगती है। सिंचन आपके ट्रक के अंदर बैठा हुआ यार। सिंचन मेरी बात सुन, तू किधर था? अरे यार हमिदा मैं तो पीछे वाली गाड़ी में छुप गया था। पीछे वाली गाड़ी कौन सी? ये जो ब्लू कलर की गाड़ी है ना हमिदा, मैं इसके अंदर बैठ गया था। कितना स्मार्ट है यार गाइस, वैसे मानना पड़ेगा सिंचन बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इस वाले बंदे को हम लोगों ने देनी है ये वाली अपोलो, और इसका घर वो ऊपर की तरफ है। लेकिन यार हमिदा उसके घर का रास्ता नहीं है क्या? नहीं सिंचन रास्ता नहीं है, रास्ता हम लोगों ने यही लेके जाना है। काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता है, लेकिन हम लोग का ट्रक ऊपर जा रहा है। मानना पड़ेगा यार गाइस, हम लोग का ट्रक काफी ज्यादा पावरफुल है। और फाइनली यार गाइस हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अभी बस मुझे अपने ट्रक को यहाँ पे पार्क करना है और जल्दी से ये ब्लू वाली गाड़ी इसको देकर आता हूँ। मुझे तो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अभी खैर हम लोगों ने ये वाली गाड़ी इस वाले बंदे को देनी है। और साइज देखो इसका, साइज भी बहुत ज्यादा ओपी, और पिछला स्पॉइलर भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है। सारी की सारी चीजें अच्छी हैं यार गाइस, इस वाली गाड़ी में कोई भी खराबी नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि हम लोग चेंज करना चाहें। ये लिटरली में बहुत ही ज्यादा ओपी है। अबे क्या कर रहा है तू? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, और कौन बोल रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को तुम्हारी गाड़ी देने के लिए आया हूँ। सीधे तरीके से गाड़ी को पार्क करना। अच्छा ठीक है, ये लो टकले पार्क कर दिए मैंने। टकला किसको बोला? देखो मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुम लोग का नौकर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा जाओ ऊपर, बॉस से पैसे लेकर आ। तुम्हारे बॉस से तो पैसे लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा भी बंदोबस्त करूंगा मैं। एक नंबर का बदतमीज है यार गाइस, मैं इसका बंदोबस्त करने वाला हूँ। लेकिन पहले किधर है तुम लोग का बॉस? किधर है वो गाड़ी लेकर आया हूँ? अबे चीख क्यों रहा है? मैं हूँ तेरा बॉस, वो अंदर बेडरूम में पैसे पड़े, जाके ले ले। वैसे ये दिखने में बॉस हाँ काफी ज्यादा बूढ़ा है, इतने पैसे तो पुराने लोगों के पास ही होते हैं। लेकिन हाँ पैसे दो। सर आपका ब्रीफकेस सामने रूम के अंदर है। एक से बढ़कर एक फनकार रहता है यहाँ पे। और हाँ भाई पैसे दो। पैसे दो तो इस तरह बोल रहे हो जिस तरह मैंने तुम्हारे पैसे देने? अबे वो तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया हूँ, पैसे किधर है? पैसे सामने की तरफ है। ठीक है फिर मैं यहाँ से पैसे उठा लेता हूँ। अबे अब तुम कौन हो? पैसे दो। सर आपके पैसे वहाँ पे पीछे की तरफ है। जल्दी से ब्रीफकेस उठाता हूँ। किधर है? सर ये बड़ा वाला ब्रीफकेस। क्या बात कर रहे हो, इसके अंदर पैसे हैं क्या? क्यों सर आप नहीं उठा सकते क्या? नहीं मैं नहीं उठा सकता, ये मेरे ट्रक में रखवा दो। ठीक है सर मैं अभी रखवाता हूँ। इतने बड़े बड़े डब्बे रख दिए इसने, पता नहीं इसके अंदर क्या ही होगा। सिंचन जल्दी से बैठ जा। लेकिन यार हमें तो ये वाला घर कितना ज्यादा ओपी है। हाँ ये वाला घर भी ठीक है, लेकिन अभी ये दो गाड़ियां रह गई हैं। सिमियन ने मुझे अभी लोकेशन भेजी है, और यार गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वो लोकेशन किधर की है यार? चौप बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोकेशन है। क्या बात करो, सिर्फ दो गाड़ियां रह गई, उसके बाद पैसे मिलेंगे हम लोग को यार? पैसे तो मिलेंगे, और मैंने सब कुछ सोच के भी रखा है चौप, लेकिन लोकेशन दूर है। लेकिन है किधर बताओ तो सही यार। और चौप सिर्फ दूर नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन यार हमें तो वो है किधर? लेके चलता हूँ मैं तुम लोग को सिंचन, ये काम लिटरली में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी करना पड़ेगा। दो गाड़ियां रह गई हैं, जल्दी से ये भी जाके डिलीवर करके आ जाते हैं। धीरे धीरे बादल भी आ रहे हैं, लगता है कि अभी थोड़ी देर के अंदर बारिश होने वाली है। लेकिन लोकेशन है कौन सी? हम लोग इतना दूर आ चुके हैं यार। चौप यार लोकेशन तो बहुत ज्यादा अजीब सी है। क्या बात कर रहे हो, है किधर बताओ तो सही यार। मेरा दिल तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन यार गाइस अभी लास्ट दो गाड़ियां बची हैं, तो हम लोग को जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी यार। हाँ बारिश तो हो जाएगी चौप, लेकिन अभी हम लोग के पास कोई और ऑप्शन है नहीं ना। देख सारी की सारी गाड़ियां हम लोगों ने डिलीवर कर दी हैं, अभी बस सिर्फ और सिर्फ ये वाली दो गाड़ियां रह गई हैं। इन दो गाड़ियों के लिए हम लोग अपना प्लान कैंसिल तो नहीं कर सकते, हम लोग को ऊपर तो जाना पड़ेगा, और ऊपर भी कोई कम ऊपर नहीं, हम लोगों ने जाना है माउंट चिलियाड की टॉप के ऊपर। क्या बात कर रहे हो, वो तो दूसरी तरफ है यार। दूसरी तरफ तो जाएंगे चौप, लेकिन तुझे क्या लगता है कि हम लोग माउंट चिलियाड के ऊपर इस तरह चढ़ेंगे क्या? इस तरह तो ये वाला ट्रक कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा यार। मैं भी यही सोच रहा हूँ चौप, मेरे ख्याल से ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये जो लास्ट दो गाड़ियां डिलीवर करने का बोला ना सिमियन ने यार गाइस, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, और अगर थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे बारिश हो गई तो फिर उसके बाद तो तुम लोग समझो कि गाड़ियां भी गई और साथ में हम लोग भी गए। सामने की तरफ से पुलिस वाले आ रहे हैं यार। हाँ मुझे पता है, लेकिन हम लोगों ने कौन सा कुछ किया है, हम लोग तो चुपचाप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो भाई साहब, मुझे पता था कि बारिश होने वाली है, क्योंकि बारिश का मौसम तो ऑलरेडी था यहाँ पर, मगर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्टी वार्टी कर रहे होंगे यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हम लोग का ट्रक यहाँ से जा सकता है। फाइनली यार गाइस हम लोग टनल के अंदर आ चुके हैं, और ये वाली टनल काफी ज्यादा पुरानी है। आपको पता है ना कि इस वाली टनल के अंदर चोरियां भी होती हैं यार? हाँ मुझे अच्छे से पता है, इस वाले टनल के अंदर काफी ज्यादा चोर भी रहते हैं। लेकिन मुझे अभी नॉन स्टॉप यहाँ से बाहर निकलना है। जैसे ही हम लोग यहाँ
यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ माउंट चिलियाड़ आ जाएगा, क्योंकि यार गाइस जो ये वाली टनल है ये माउंट चिलियाड़ को और पलिटो बे को आपस में कनेक्ट करती है। लेकिन अभी क्या करेंगे चॉप, कितने ज्यादा बुरे तरीके से फंस गए यार। मुझे लगता है कि हम लोग का ट्रक यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा। ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ और ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? चॉप अब क्या करूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। कैसा काम दे दिया सिमियन ने हम लोग को यार, 5,000 करोड़ ऐसे तो नहीं दिया ना चॉप सिमियन ने। काम तो बाकी में काफी ज्यादा मुश्किल है, ऊपर से बारिश भी हो गई है अभी। लिटरली मैं यार गाइस दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। आज के बाद में सिमियन के काम करने तो पड़ेंगे, क्योंकि यार गाइस पैसे काफी ज्यादा देता है वो हम लोग को, और ट्रक को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। काम करता हूँ कि इसको नीचे लेके जाता हूँ, दो गाड़ियां रह गई है, मैं तो बोलता हूँ कि चला के लेके जाते हैं ऊपर। यार मुझे भी अभी ऐसा ही लगता है चॉप, अभी हम लोग को यही करना पड़ेगा। इस वाले ट्रक को मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ और गाड़ी को ड्राइव करके ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन अगर गाड़ी को कोई स्क्रैच आ गया तो फिर चॉप, अभी गाड़ी को स्क्रैच आता है तो आ जाए, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये वाला ट्रक मैं माउंट चिलियाड़ के ऊपर तो नहीं लेके जा सकता हूँ यार गाइस, गाड़ी को नीचे उतारना पड़ेगा। गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है, संभल के लेके जाना यार। लेकिन यार हमदा मैं भी आपके साथ चलूं क्या? नहीं सिंचन, तू यहाँ पे इस वाली गाड़ी को देखता रहे, मैं तब तक ये वाली गाड़ी ऊपर डिलीवर करके आता हूँ। काफी ज्यादा मुश्किल रास्ता है और बारिश को भी अभी होना था, लेकिन खैर है धीरे धीरे ये वाली गाड़ी मैं ऊपर ले जाऊंगा। इतना तो मुझे अपने आप का पता है कि यार गाइस गाड़ी को स्क्रैच लगाए बगैर मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। रास्ता कोई सीधा मिल जाता तो काम हो जाता, लेकिन नहीं यार गाइस रास्ता यही है। और इस वाली गाड़ी की कंडीशन अभी तक तो बहुत ज्यादा ओपी है, पता नहीं इस वाली टनल से निकलेगी या फिर नहीं। निकल गई यार गाइस, गाड़ी यहाँ से जा सकती है, काफी ज्यादा मुश्किल रास्ता है, थोड़े से स्क्रैचेस पड़ेंगी गाड़ी को, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मुझे इधर से ही जाना होगा। काफी ज्यादा मुश्किल काम दे दिया सिमियन ने, आई होप कि यार गाइस गाड़ी ऊपर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी ऊपर तक ना पहुंची या फिर रास्ते में कहीं पे क्रैश हो गई तो फिर उसके बाद 1 रुपया भी नहीं देगा सिमियन हम लोग को। सारी की सारी गाड़ियां भी हम लोगों ने डिलीवर कर दी है और अभी पीछे रह गई है सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां। 1 मिनट, इसकी ब्रेक नहीं लग रही है और ये सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा है। एक दफा बस ये गाड़ी में ऊपर पहुंचा दो, उसके बाद दूसरी गाड़ी की लोकेशन तो सिमियन ने मुझे लॉस सैंटोस की बताई है, वहां पे तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ये बारिश ने काम खराब कर दिया यार गाइस, गाड़ी मेरी टर्न नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको ऊपर लेके जाना। लेकिन मैं इसको ले जाऊंगा, थोड़े से स्क्रैचेस पड़ेंगे लेकिन खैर है यार गाइस, गाड़ी हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे। मेरे पास अगर कोई हेलीकॉप्टर होता ना फिर तो 1 सेकंड में काम हो जाता। 1 मिनट, ये मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। अभी धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, क्योंकि जैसे ही मैं स्पीड पकड़ता हूँ ना हम लोग की गाड़ी स्लिप होती है। थोड़ा सा टर्बो निकालते हैं और अभी यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ। मैं ऑलमोस्ट माउंट चिलियाड़ के टॉप के ऊपर तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ कहीं पे मुझे कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं यहाँ पे कौन ही रहता होगा, लेकिन जो भी है यार गाइस पैसे इसके पास काफी ज्यादा है, क्योंकि इसने ये वाली लैम्बोर्गिनी ऑर्डर की है यार गाइस, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अभी तक तो मैंने इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं डाला, इसका मतलब ये है कि हम लोग के पैसे कट नहीं होंगे। लेकिन अभी जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेंशन है कौन सा। हम लोग ऊपर तो पहुंच गए हैं मगर दूर दूर तक मुझे कोई भी मेंशन नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर की तरफ एक हट है तो सही, मेरे ख्याल से यही होगा मेंशन। जल्दी से वहां पे जाके चेक करता हूँ, और गाड़ी को भी मुझे सही से कंट्रोल करना है। मेरा दिल तो कर रहा है इसको भगाने का, और थोड़ा सा हम लोग इसको भगा भी सकते हैं, क्योंकि ये वाली रोड तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन बारिश में गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिंचन और चॉप को भी मैंने नीचे बारिश में अकेले छोड़ दिया, पता नहीं यार गाइस कोई चोर वोर ना आ जाए। इतने ज्यादा अजीब से ख्याल आते हैं कि आप लोग को क्या ही बताऊं। लेकिन हो गया यार गाइस, फाइनली हम लोग माउंट चिलियाड़ के टॉप के ऊपर पहुंच गए हैं। अभी देखता हूं कि ये मेंशन आखिर है किधर। यहां पर मुझे एक घर दिखाई दे तो रहा है और मेरे ख्याल से यही वो घर है। जल्दी से गाड़ी को यहां से आगे की तरफ लेके जाता हूं। और 1 मिनट, भाई साहब ये किस तरह का घर है यार गाइस, यहां पे तो स्टेयर्स लगी हुई है, सारी की सारी गाड़ी इस बेचारे की यहीं पे टूट जाएगी। और 1 सेकंड, मुझे लगता है कि गई इसकी गाड़ी, लेकिन नहीं अभी तक ठीक है। एक काम करता हूँ कि इसको यहीं पे पार्क करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, पैसे एक दफा मिल जाएं उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रुक जा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ इधर आओ। हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हारे पैसे हेलीकॉप्टर के अंदर है, उठा के निकलो यहाँ से। अच्छा लेकिन घर नहीं देख सकता क्या? अबे अपने पैसे उठाओ और निकल यहाँ से। ये बंदा तो अपना घर भी नहीं देखने दे रहा है, लेकिन खैर है कोई बात नहीं। हम लोग का काम था गाड़ी को डिलीवर करना, जो कि हम लोगों ने कर दिया। अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। घर तो वैसे इसका काफी ज्यादा ओपी है, लेकिन खैर है फिर कभी हम लोग देख लेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ से नीचे जाना है अपने ट्रक के पास यार गाइस, रास्ता काफी ज्यादा स्लिपरी है और पैसों का बैग भी है मेरे पास, पता नहीं इसके अंदर क्या चीज होगी, लेकिन यार गाइस यही मिला है हम लोग को। अभी सोच रहा हूँ कि पैराशूट निकाल के सीधा अपने ट्रक के पास जाऊँ, क्योंकि पैदल तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना स्टेमिना तो है ही नहीं, ऑलरेडी काफी ज्यादा थक गया हूँ। एक काम करता हूँ कि यहाँ से जंप लगाता हूँ और पैराशूट खुल गया हम लोग का। लेकिन अभी ये ट्रक मैंने कहाँ पे पार्क किया था भूल गया हूँ, ट्रक की लोकेशन ही भूल गया हूँ यार गाइस। सिंचन और चॉप वेट कर रहे होंगे और मुझे
मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपना ट्रक कहाँ पे पार्क किया था। एक काम करता हूँ कि यहाँ से चलता हूँ नीचे की तरफ। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, हम लोग टनल से निकले थे ना, और फिर टनल से निकलने के बाद मैंने अपने ट्रक को पार्क कर दिया था। अभी ये कहाँ पे चली गई टनल? काफी ज्यादा बड़ा माउंटेन है और टनल का कुछ पता ही नहीं है, यहीं पे होती थी लेकिन लगता है कि थोड़ा सा आगे होगी। हाँ यार गाइस, हम लोग को थोड़ा सा यहाँ से आगे जाना होगा, मगर नहीं 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 यहाँ पर तो नहीं है, मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। बल्कि एक सेकंड, वो रही, अभी मुझे फौरन से पहले जाना होगा नीचे की तरफ। यार गाइस रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे थोड़ी सी चोट भी लग सकती है, लेकिन खैर है कोई बात नहीं। यार गाइस इतना आगे पहुंच गया हूं तो चोट हम लोग को नहीं लगेगी, लेकिन ये पैराशूट भी अपनी मर्जी से जा रहा है आगे की तरफ। इधर गया ट्रक, इधर गया, सामने की तरफ था, और हाँ वो रहा, अपना ट्रक हम लोग को मिल गया। और अभी रह गई है सिर्फ और सिर्फ ये एक गाड़ी। सिम्योन ने लोकेशन भेजी है मुझे। सिंचन कोई आया तो नहीं था यहाँ पे? अरे नहीं यार हमिद, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक माउंटेन लॉयन आया था, मैंने उसको पत्थर मार के भगा दिया। माउंटेन लॉयन को भी सिंचन पत्थर मार के भगाता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है सिंचन। और चॉप तो अभी तक ऊपर ही खड़ा हुआ है, क्या करूं, कब से आपका वेट कर रहा था यार। हो गया चॉप, काम हो गया, सबसे ज्यादा मुश्किल काम हम लोगों ने कर दिया है। अभी बस हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा। पूरे के पूरे 5 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाली गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर करनी है। मुश्किल था आज का टास्क, काफी ज्यादा मुश्किल था। जल्दी से ट्रक को यहाँ पे पार्क करता हूँ और ये वाली गाड़ी जाके माइकल को देता हूँ। दिखने में तो काफी ज्यादा डिफरेंट है, मेरे ख्याल से माइकल ने ये वाली गाड़ी अमेंडा के लिए मंगवाई होगी। लेकिन सिंचन तू क्या कर रहा है? अरे यार हमिद, मैंने सोचा कि मैं भी इस वाली गाड़ी की सैर करूंगा। ज्यादा सैर नहीं करनी है सिंचन, हम लोगों ने बस इस वाली गाड़ी को लेके जाके अंदर की तरफ पार्क करना है। है तो ये वाली गाड़ी भी काफी ज्यादा ओपी यार गाइस, मुझे अच्छी लगती है। और मुझे इतना पता है कि माइकल खुद तो ये वाली गाड़ी नहीं चलाने वाला है, मगर जो भी है मुझे अपने पैसे चाहिए यार गाइस, पैसे लेके निकलता हूँ यहाँ से। किधर है माइकल, किधर है, दिखाई नहीं दे रहा। जिमी माइकल किधर है? फ्रैंकलिन चाचू, वो माइकल ने आपके लिए पैसे रखे हैं। किधर है पैसे? वो सामने लाउंज के अंदर। अच्छा चलो ठीक है, मैं पैसे उठा के निकलता हूँ। आ जा सिंचन, जल्दी से हम लोग को यहाँ से निकलना होगा, काम बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन बदले में हम लोग को मिलेंगे पूरे के पूरे 5,000 करोड़। क्या करूंगा इतने पैसों का, सोच रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा ओपी गाड़ी परचेज करूँ। बैठ सिंचन, जल्दी कर जल्दी कर, टाइम नहीं है हम लोग के पास। लेकिन यार हमें तो हम लोग का सारा काम तो हो गया। हाँ सिंचन, फाइनली हम लोग का सारा काम हो चुका है, और पूरा का पूरा ट्रेलर भी खाली हो गया यार गाइस, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। मेरा तो दिमाग ही पक गया यार। मेरा भी यही हाल है चॉप, काफी ज्यादा थक गया हूँ। अभी बस अपने पैसे उठा के कुछ बढ़िया सा खाने को पकड़ेंगे और सीधा अपने घर जाके सो जाएंगे यार गाइस, काफी ज्यादा थक गए हैं। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको पार्क करता हूँ और फटाफट से जाके अपने पैसे लेकर आता हूँ। आ जा सिंचन, अपने पैसे लेने की बारी आ गई है। और एक सेकेंड सिम्योन, ये वाली गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? हाँ बेटी, ये वाली गाड़ी डायमंड की लिमिटेड एडिशन की गाड़ी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे सारे के सारे पैसे तुम्हारे ट्रक के अंदर पड़े हुए, मुझे मेरे पैसे दो, मैं निकलूं यहाँ से। हाँ बेटी, पैसे चाहिए या फिर ये वाली गाड़ी चाहिए? पैसे चाहिए मुझे। और इसका कलर कौन सा है? कलर नहीं हाँ बेटी, ये डायमंड की है। क्या बात कर रही हो, डायमंड की है क्या? हाँ हाँ बेटी, ये वाली गाड़ी डायमंड की है। जल्दी बताओ क्या चाहिए मुझे। सिंचन क्या लें? अरे यार हमें तो हम लोग ये वाली गाड़ी लेंगे। आजा फिर, आज के बाद ये वाली गाड़ी हम लोग की है। और ये ब्रीफकेस तुम्हारा एक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी के पैसे ट्रक के अंदर है। आजा सिंचन, डायमंड की गाड़ी मिल गई है हम लोग को, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये वाली गाड़ी मेरी फेवरेट है, दिखने में भी बहुत ज्यादा ओपी है और चलने में उससे भी ज्यादा ओपी है। इसका स्पॉइलर देखो यार गाइस, कितना ज्यादा ओपी स्पॉइलर है। काम काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इसके बदले हम लोग को काफी ज्यादा अच्छी चीज मिल गई है। एक मिनट, अभी इसको मैं निकालूंगा कैसे, जगह तो है नहीं। चॉप ट्रक को पीछे कर। लेकिन मुझे ये वाला ट्रक चलाने नहीं आता यार। अबे पीछे करना चॉप, क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ट्रक तो चॉप ने पीछे कर लिया है, लेकिन जगह ज्यादा नहीं है हम लोग के पास, थोड़े से स्क्रेचेस पड़ गए। आ जा चॉप, ये देख हम लोग की नई गाड़ी है। क्या बात कर रही है, हम लोग की है क्या यार? हाँ तो और किसकी है, जल्दी से आके बैठ जा। और ये क्या चॉप, ऊपर खड़ा हो ना? ऊपर क्यों खड़ा हूँ, गाड़ी के अंदर बैठूंगा यार। हाँ वैसे चॉप भी गाड़ी के अंदर है, सिंचन भी गाड़ी के अंदर है, और मैं इस वाली गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ यार गाइस। फाइनली हम लोग का काम हो चुका है। सारी की सारी गाड़ियाँ और सारे के सारे घर बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन मुझे अपने घर नहीं दिखा यार। चॉप तुझे मैं घर कहाँ से दिखाऊँ, मैंने खुद 2-3 घर देखे थे। और अभी हम लोग इस वाली गाड़ी को बहुत ज्यादा भगाने वाले हैं यार गाइस। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले ओपी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।